तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ Vivo की तरफ से आने वाला Vivo T3 5G, जिसका आज हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। और ये जो फोन है बेस्ट बजट फोन है, इसका हम लोग डिस्प्ले क्वालिटी, कैमरा एंड गेमिंग टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को इन तक जरूर देखें। और ये Vivo का T3 सीरीज आपको ऑनलाइन मिलने वाला सेट है, लेकिन ऑफलाइन में भी मिलेगा, लेकिन महंगा मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोग को ऑफलाइन शॉप बताऊंगा जिसमें आप लोग सस्ते में इसको बाय कर सकते हो। तो चलिए पहले करते हैं फटाक से इसका अनबॉक्स। तो ये है T3 का बॉक्स, इसको करते हैं। तो हम लोग बॉक्स को ओपन करते हैं, इसके अंदर हम लोग ये हमारा फ़ोन। तो पहले अभी फ़ोन को हम लोग साइड में रखते हैं, पहले इसके अंदर देखते हैं क्या मिलते हैं। और इसके अंदर हम लोग को मिलता है कवर जो कि सॉफ्ट है, इसके अंदर हम इसका यूजर कार्ड दिख जाता है, उसके अंदर हम लोग को ये चार्जर दिखता है जो कि वीवो का आता है, 44 वाट का हम लोग को चार्जर दिखने को मिलता है। और इसमें हम लोग को मिलता है टाइप सी केबल, और इसके अंदर हम लोग को मिलता है, हमको मिलता है एक सिम निकालने का की। को करते हैं हम लोग साइड, और अभी हम बढ़ते हैं हम लोग फ़ोन की तरफ। ये हमारा फ़ोन देखिए कितना प्रीमियम दिख रहा है। ओ भाई, इधर आप देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। इधर आप लोग को प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगा, लेकिन जो इसका लुक वाइज है वो प्रीमियम है, बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए करते हैं फ़ोन को अभी हम लोग ऑन। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, Vivo 5G हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। और पीछे का लुक देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और 3D डिज़ाइन में आपको लुक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें हम लोग को 6.67 इंच का एमुलेट डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है। तो इसका हम लोग अभी डिस्प्ले का आप लोग क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें आप 4K में वीडियो देख सकते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे तगड़ा देखने को मिला, आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है, लेकिन जो लुक वाइज 3D है। आप लोगों को 3 कैमरा देखने को मिलता है, सारा बात करेंगे अभी क्या क्या है। बैक साइड आपको टाइप सी केबल देखने को मिलेगा। यहाँ स्पीकर की बात करूँ तो इसमें आपको डॉल्बी स्पीकर नहीं है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर है, लेकिन स्पीकर जो क्वालिटी बहुत ही शानदार है। इसमें आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलता, तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या इसमें 3.5mm का जैक होना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट करना। इसमें आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि सेंसर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये चलिए अभी हम लोग स्पीकर का टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे इंडिया में भी चल रहा है टेंगे टेंगे, चलो सुनते हैं। इसका साउंड क्वालिटी बहुत हाई है। अभी हम लोग फुल करते हैं इसको, अब फुल हो जाने के बाद ये और फुल हो तो 150-200 तक इसका भी लाउडनेस होता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें प्रोसेसर की। इसमें आप लोग को डायमेंसिटी 7200 आप लोग को 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसमें हम लोग अभी BGMI प्ले करके देखें तो इसमें हम लोग को अच्छा वर्क कर रहा है। BGMI गेम को आराम से आप लोग खेल सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये फ़ोन जो है Vivo का, आपको आउटडोर वगैरह टेस्ट कर रहे थे तो मुझे इसमें हीट प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद भी इसमें हीट वगैरह नहीं हुआ। आपका जो गर्मी के दिन में आपका ये फ़ोन मक्खन की तरह से चलने वाला है, इसमें आप लोग आराम से गेमिंग कर सकते हो। इसमें आप लोग को 5000mAh की बैटरी देखने को मिलता है, और इसमें आपको 44W फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके कैमरा की। तो इसमें आप लोग को बैक साइड आप लोग को 50MP का OIS सोनी का आपको कैमरा देखने को मिलता है, और जो सेकंड नंबर का उसमें आपको 2MP का देखने को मिलता है, और लास्ट जो कैमरा है वो उसमें आप लोग को फ्लिकर दिया है, मतलब जो आपका लाइटिंग वगैरह अगर वो सब आप क्लिक करते हो तो उसमें आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके फ्रंट साइड बात करूँ तो इसमें आपको 16MP का फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। आता हूँ तो चलिए अभी हम लोग कैमरा का टेस्टिंग करते हैं। हम लोग 1080p पर फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप इसका वॉइस क्वालिटी देखें। सो गाइस, अभी ये 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइस है, और इसका आप लोग वीडियो का क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें आप लोग 4K भी रिकॉर्ड करते हैं, इसमें आप 4K भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो 30p। तो गाइस, अभी ये बैक से शूट हो रहा है 50MP पर 1080p 60fps, अभी इसका आप क्वालिटी देख सकते हैं।
तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को कैमरा पर अभी दिखाता हूँ क्या क्या फीचर रहती है। हमारा फोटो है, बगल में आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, इसका भी हम लोग अभी टेस्टिंग करेंगे, आपको क्वालिटी दिखाएंगे। ये आपका नाइट मोड है, नाइट में भी आप अच्छे से इसमें फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। इसमें आप लोग को वीडियो है, वीडियो में आप 1080p 60fps पर वीडियो बना सकते हो, साथ में आप 4K में भी बना सकते हो। तो देख सकते हो आपको फुल क्वालिटी में आप यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सेम फ्रंट में भी आप 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ मोड में आपको बहुत सारे यहाँ पर मोड देखने को मिलेगा, तो ये देख सकते हो लाइव फोटो मोड। और बाकी इसमें जो मेन फोकस करने वाला एक बात और मेरे को लगा, उसमें आप मून वाला फ़ोटो खींच सकते हो। तो कैसे आप लोग को दिखाता हूँ, बाकी बहुत सारे इसमें मोड दिए गए हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं मून वाला आपको दिखाता हूँ, जो मोड आप नाइट में शूट कर सकते हो। तो यहाँ पर से आपको सुपर मून का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये सुपर मून पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो आप मून को फोकस कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं और आप लोग को देखते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और बादल को फोकस कर रहे हैं और बादल का देखते हैं कैसे आता है। तो अभी रिजल्ट निकल के आ गया, देख सकते हो कितना अच्छा क्वालिटी में हमें दे रहे हैं। इसका कैमरा को जो क्वालिटी निकल के आता है ना, वो भाई DSLR को भी फेल कर देगा, जो इसका पोर्ट्रेट मोड है। इसका पोर्ट्रेट मोड ही बहुत सबसे ज़्यादा गजब है। आप ये क्लिप फोटो देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा इसमें देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं माई ओपिनियन इस फ़ोन की। तो सबसे पहले इस फ़ोन में हम लोग को डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज के अनुसार। इसमें हम लोग को अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग BGMI गेमिंग आराम से आप लोग खेल सकते हो। तो अगर आप आउटडोर या अभी गर्मी में, ये फ़ोन जल्दी हीट नहीं होता है, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है इस फ़ोन का। अभी हम लोग बहुत सारे मैंने अभी यूज़ करके देखा हूँ, बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें हम लोग को एक भी हीट प्रॉब्लम हम लोग को देखने के मिला। तो ये आपको वीवो के T3 में बस देखने को मिल रहा है लगा। बाकी लुक वाइज डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। पीछे आपको 3D डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर जो कैमरा क्वालिटी, इसमें एक्स्ट्रा आपको फ्लिकर वाला जो इसमें कैमरा में आपको फ्लिकर देखने को मिलता है, जो बाकी के फ़ोन में नहीं देखने को मिलता है, इसमें अलग से फ्लिकर को इसमें ऐड कर दिए गए हैं। आपको बताता हूँ, अगर आप इस फ़ोन को बाय करना चाहते हो तो ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन में बाय करना चाहते हो तो मैं आपको बिलासपुर के ओल्ड बस स्टैंड चले जाना है, राजू प्लाजा अपोजिट जिला अस्पताल के सामने, करण मोबाइल, आप लोग को ये फ़ोन देखने को मिलेगा। ऑनलाइन रेट से आपको थोड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा करण मोबाइल में, तो आप लोग जरूर जाइए और ऑफलाइन में इसको खरीद लिए बेस्ट। और ये फोन 18,000 के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।